बेटियां बेटियां बेटियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और आज से बेटियां का सफर मेरे साथ आगे बढ़ रहा है। बेटियां महज एक शो नहीं, एक उत्सव है, एक सलाम है, एक गर्व का एहसास है, एक बदलाव का आभास है। बदलाव जो ला रही हैं वो बेटियां, जो समाज की धारा से उलट जाकर, हर तूफान से टकरा कर अपने किनारे खुद ढूंढती हैं। गर्व जिससे हमारा सर ऊंचा होता है जब एक बेटी देश के लिए मेडल जीत कर लाती है, जब एक बेटी के सर खूबसूरती का ताज चढ़ता है, जब एक बेटी अंतरिक्ष में उड़ान लगाती है, जब एक बेटी एवरेस्ट पर झंडा फहराती है। और ऐसी न जाने कितनी बेटियां जो हर दिन अनगिनत संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ती रहती हैं। न समाज के तानों की चिंता, न परिवार की दुहाइयों की फिक्र, उनकी नजरें टिकी होती हैं सिर्फ और सिर्फ मंजिल की ओर। और ऐसी ही बेटियों के जीवन सफर का उत्सव मनाएंगे हम बेटियां में, ताकि देश की हर बेटी इनसे प्रेरणा ले सके, अपने मुश्किल वक्त में इनसे ताकत हासिल कर सके और ये जान सके कि अगर देश की कुछ बेटियां अपनी मंजिल हासिल कर सकती हैं तो हर बेटी क्यों नहीं। और आज हम जिस बेटी से मिलने आए हैं वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की इसी गली में पली बढ़ी, दूसरे बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर उसने अपना खर्चा उठाया और आज वो देश की सबसे मुश्किल परीक्षा UPSC पास कर चुकी है। उसका नाम है उमुल खैर। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरणी दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये दिल्ली का वो इलाका है जहां सड़कों और गलियों में फर्क कर पाना मुश्किल है। इन बदहाल गलियों में कदम कदम पर जिंदगी की ठोकरें हैं, इन खस्ता हाल मकानों में पल पल जीने की आजमाइश है। पर आज हम यहाँ उस बेटी से मिलने आए हैं जिसने मुकद्दर को मात देकर सितारों से आगे अपना अलग मुकाम बनाया है। नमस्कार, आप सब लोग उमुल को जानते हैं? आप जानकर हैरान होंगे पर त्रिलोकपुरी के इस इलाके में ऐसा कोई घर नहीं जो उमुल खैर के नाम से अनजान हो। और होगा भी कैसे, इस मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर बच्चों की जिंदगी में तालीम का दिया उमुल के दम से ही रोशन है। कौन कौन से बच्चे उमुल से पढ़े हुए हैं? हाँ, आप भी पढ़े? अरे वाह। अच्छा, अब आपको पता है कि उन्होंने कौन सा एग्जाम पास किया है? यहाँ के लोगों को नाज है उमुल की शानदार कामयाबी पर, लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है और उसी कहानी को आप तक पहुँचाने के लिए हम त्रिलोकपुरी के उस मकान तक पहुँचे जहाँ रहकर उमुल ने अपने सपनों का सफर शुरू किया था। हेलो उमुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिलेक्शन की। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। ये अंधेरी तंग सीढ़ियां गवाह हैं उमुल के उस अतीत की जिसमें निराशा और नाउम्मीदी के सिवा कुछ नहीं था। ये टूटी फूटी दीवारें, ये खंडहर जैसे खिड़की दरवाजे, सीलन से भरी ये खुरदुरी फर्श और छत के नाम पर ये टीन शेड, आप चाहें तो इसे कमरा कह सकते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि इसी बदहाल कमरे में अकेले रहकर उमुल ने अपने हौसले को कामयाबी की उड़ान दी? मुझे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। ये वो कमरा था, यहाँ मैं कुर्सी लगा दिया करती थी और इस पूरे कमरे में बच्चे बैठा करते थे।
क्योंकि बच्चे 50-50 रुपए में मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो ज्यादा से ज्यादा बैच रखना होता था, तो कई बार बच्चे वहाँ पर भी बैठ जाया करते थे। 50 रुपए महीना फीस, 50 रुपए महीना फीस, उसमें 2 घंटे पढ़ाया करते थे। किस साल की बात आप बता रहे हैं? ये 2004 में मतलब फुल फ्लेज्ड 2004 में मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया था। इस कमरेनुमा घर में अकेले रहकर उमुल ने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की होगी, इसे समझना मुश्किल नहीं। पर अगर हम कहें कि एक ऐसी लड़की जो फिजिकली चैलेंज्ड है, फ्रजाइल बोन डिसऑर्डर जैसी लाइलाज बीमारी का शिकार है, बावजूद इसके अगर पढ़ाई के लिए उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ा और बचपन से ही ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करना पड़ा, तो यकीन मानिए आपके लिए इस बेटी के दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। उमुल का जन्म राजस्थान के गरीब परिवार में हुआ, पर उनके संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है दिल्ली से। उमुल तब बहुत छोटी थी जब अपनी बीमार माँ को गांव में छोड़कर पिता के साथ उन्हें दिल्ली आना पड़ा और सौतेली माँ के साथ निजामुद्दीन की झुग्गी बस्तियों में रहना पड़ा। जब मैं आई थी दिल्ली तो हम काफी टाइम तक हजरत निजामुद्दीन के स्लम में रहे। अच्छा। और बारापुला का वो स्लम एरिया था, वहाँ 2001 तक हम रहे थे। और 2001 में जब वो स्लम एरिया डिमोलिश हो गया तो फिर हम लोग त्रिलोकपुरी आए थे, क्योंकि त्रिलोकपुरी थोड़ा सस्ता इलाका था, तो यहाँ पर 2001 में हम। घर में फाका कशी का आलम था। पिता फुटपाथ पर कपड़े बेचकर जो थोड़ा बहुत कमाते थे वो पूरे परिवार के लिए काफी नहीं था, इसलिए उमुल झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करती थी। पर 8वीं पास करने के बाद उमुल की पढ़ाई पर भी संकट खड़ा हो गया। ये संकट गैरों से नहीं अपनों से था। घर वैसे भी बहुत रूढ़िवादी, वो एक कंजर्वेटिव फैमिली है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा नहीं जाती हैं, और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन की लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ती हैं तो वो बदजबान हो जाएंगी, बिगड़ जाती हैं और बड़े छोटों का अदब करना बंद कर देती हैं, घर की बदनामी होगी। तो इस तरह तरह की दलीलें दी गई और कहा गया कि अगर ज़्यादा जिद करोगी तो तुम्हें राजस्थान भेज देंगे। तो फिर वो डर था कि अगर राजस्थान चले गए तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रही है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर उमुल घर नहीं छोड़ती तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती, दिल्ली से वापस राजस्थान जाना पड़ता, जो उमुल को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने त्रिलोकपुरी इलाके में ही अपने लिए एक अलग कमरा लिया। पर एक तो लड़की और वो भी अकेली, समाज कैसे ना सवाल करता। लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि एक अकेली लड़की को हम घर नहीं देंगे, दिल्ली में तो वैसे ही कमरा मिलना इतना मुश्किल, ये सब हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, मगर हाँ वो ये लोग कितने भी सपोर्टिव क्यों ना रहे हों, मगर शुरू में कहीं ना कहीं वो जो संदेह था वो मैं अक्सर आंखों में पढ़ लिया करती थी, कि वो लगता था मतलब ये बात नहीं समझ में आनी आप आती थी कि मतलब पढ़ाई इतनी जरूरी है कि मतलब आप घर बार छोड़ दें और एक बगावत करके आप अकेले रह रहे हैं, तो मतलब ये क्या जरूरत है, क्या मतलब हमारी बेटियां भी तो नहीं जाती हैं। इन तमाम सवालात और मुश्किलात से लड़ते हुए भी उमुल का संघर्ष जारी रहा। वो हर हाल में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इसमें उन्हें साथ मिला अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का। जिस स्कूल में आप पढ़ना चाहती थी वहाँ एडमिशन कैसे हुआ फिर? वो फुल फी कंसेशन मिला अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो प्राइवेट स्कूल में आए। शुरू में मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी बिकॉज हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो उस स्कूल में दिक्कत आई, और ख़ासकर जब एक पब्लिक स्कूल होता है तो वहाँ के तौर तरीके थोड़े से अलग होते हैं, और मैं चैरिटेबल स्कूल की थी तो थोड़ा सा घबराई से भी रहती थी। मगर वो सिर्फ 9वीं क्लास तक रहा, 10वीं तक आते आते मैं बहुत मशहूर हो गई स्कूल में, टॉप किया मैंने, 91% मार्क्स आए थे। पढ़ने लिखने में उमुल शुरू से ही तेज थी, क्लास में कई बार अव्वल आईं, पर इसके लिए उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक स्कूल जाती और फिर आधी आधी रात तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, यहाँ तक कि खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसे में कई बार उमुल को 4-4 दिन पुरानी फफूंद लगी रोटी खाकर अपना पेट भरना पड़ा। मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं खाना बनाऊं, तो ऐसे में क्योंकि 3 बजे स्कूल, 2:30 बजे स्कूल से आगे करीब 3 बजे से लेकर 11 बजे तक जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो कई बार मतलब मैं रोटी खाना प्रेफर करती थी, तो यहाँ से काफ़ी दूर किसी ठेले पे रोटी पराठे वगैरह बिकते हैं,
तो ऐसे में अपने स्टूडेंट्स को मैं रोज नहीं भेज सकती थी क्योंकि ये अनप्रोफेशनलिज्म होगा कि आप बच्चों को अपने काम के लिए रोज रोज भेजते हैं. तो मैं बच्चों को मतलब 4 दिन में एक बार रोटी लेने के लिए भेजती थी और वो 4th दिन तक होते होते वो रोटी में पूरी फफूंद आ जाती थी और वो पूरी रोटी मतलब एक तरीके से गल सी जाती थी. तो उसी को फिर उसकी फफूंद वाला पार्ट हटा के उसको अच्छे से सेक के फिर मैं खाती थी. कांट बिलीव दिस, कांट बिलीव. मतलब शब्द समझ नहीं आ रहे मुझे. हम लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ों की शिकायतें करते हैं, खासकर जो बच्चे 11th 12th में, बचपन में कितना ये नहीं हमारे पास, वो नहीं हमारे पास. और एक बच्ची जो अपना अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए दूसरे बच्चों को पढ़ाती थी, वो 4-4 दिन बासी रोटी खाती थी. कभी रोई अकेले में बैठ कर? टाइम ही नहीं मिलता ना. कभी अपने पेरेंट्स से आके शिकायत नहीं की अगर वो यहीं रहते थे पास में कहीं? शिकायत क्यों, मतलब वो तो सब ये चीज़ें मेरी खुद की जिम्मेदारी थी. तो वो कहते कि तुम्हें किसने कहा यहाँ रहने के लिए, तुम जाओ, तुम्हें कौन कह रहा है इतनी सारी तुम मुसीबतें उठाओ, तुम राजस्थान जाना चाहती हो तो जाओ तुम, मतलब तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम पढ़ो और पढ़ाओ और ऐसा सब करो. तो ये तो सब फिर मेरी ही खुद की जिम्मेदारी थी कि सब खुद ही. कूदने की उम्र में खुद को पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी ने उमुल को वक्त से पहले कब मैच्योर कर दिया. बचपन की हसरतें जाने कब और कहां दफन हो गईं, पता ही नहीं चला. स्कूल जब जाती होंगी तो आप देखती होंगी बड़ी लग्जरी में बच्चे आ रहे हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, स्टाइलिश बैग्स, आजकल तो इतना सब होता है ब्रांडेड. कभी उनको देखकर कॉम्प्लेक्स हुआ कि मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, मेरी लाइफ इतनी, मतलब इतनी लग्जरी मेरे पास क्यों नहीं है? नहीं, उस टाइम इतनी ज़्यादा मुझ में समझ आ गई थी कि मैं अगर बहुत ज़्यादा अगर अच्छे शब्द भी अगर ना इस्तेमाल करूँ तो मतलब उस वक्त मुझे था कि आई एम सेल्फ मेड, कि मतलब जो भी मैं कर रही हूँ तो मतलब आई एम माई मदर, मतलब मैं अपनी माँ और अपना बाप खुद हूँ. स्कूल की जंग जीतने के बाद अब बारी थी कॉलेज में कदम रखने की. 12वीं में टॉप किया तो दिल्ली के गार्गी कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में उमुल ने साइकोलॉजी चुनी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए. मेरी मम्मी को स्किज़ोफ्रेनिया था तो अगर साइकोलॉजी में पढ़ती तो कम से कम मैं ये तो समझ ही पाती कि जो मम्मी को फिर बचपन में दिक्कत थी तो वो क्या थी, क्यों थी. वो सवाल कहीं मन में थे? वो थे, वो बहुत गहरे सवाल थे और उसको पढ़ना था तो इसलिए साइकोलॉजी एक ऑब्वियस मतलब चॉइस थी. स्कूल की तरह कॉलेज में भी उमुल की प्रतिभा का लोहा सबने माना. उम्र के इस दौर में भी उमुल का स्वभाव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था. ना कोई शौक, ना कोई अरमान, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का जुनून. उमुल, बच्चे ना 12th तक बहुत पढ़ाई का बोझ होता है, पेरेंट्स का भी बड़ा हमेशा से एक स्ट्रिक्ट घर में माहौल रहता है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कॉलेज जाएंगे तो हम इंजॉय करेंगे, वो 3 साल हमारी आज़ादी के साल होंगे. मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने वो 3 साल भी जो एक कॉलेज लाइफ होती है वो नहीं इंजॉय की. कॉलेज का एक बहुत ही गलत कई बार इमेज बनी है तो उसमें ये बता देना कि आप कॉलेज जाते हैं आपकी सिंसियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा आप कॉलेज जाते हैं इसका मतलब आप एक जिम्मेदार इंसान नहीं है. मतलब इस तरह का कल्चर कम से कम त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी जैसे इलाके में बहुत प्रोफाउंड होता है. तो काफ़ी चीज़ें आपने सिर्फ इसलिए भी छोड़ी क्योंकि शाम को आप बाहर अपने मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब नहीं करते? सवाल ही नहीं आता उसका, तो सवाल ही नहीं आता था. कॉलेज पास करते करते उमुल अपना लक्ष्य तय कर चुकी थी, सिविल सर्विसेज में सफलता का लक्ष्य. इसके लिए उमुल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संकल्प को अपना आदर्श बनाया. असंख्य कीर्ति रश्मिया विकिर्णी दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको नशूर साहसी. बहुत छोटे बच्चों को यूपीएससी मतलब या तो कोई बता देता है या कोई एक किस्सा होता है हमेशा सबकी लाइफ में जब ये पता चलता है कि यूपीएससी क्या होता है या आईएएस अधिकारी कितना पावरफुल होता है. आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट था? मैंने एक कहानी पढ़ी थी सुभाष चंद्र बोस की जब मैं बहुत छोटी थी, तो उसमें वो था कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस देश सेवा करना चाहते हैं मगर उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज करें. तो जब वो नहीं करना चाहते तो फिर पिता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है. तो वो उनको छू जाती है और फिर वो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम लेकिन बाद में छोड़ के
देश सेवा में लगते हैं, तो उसने उस कहानी ने बहुत गहरा मुझ पे असर डाला था। जेएनयू में सिलेक्शन के बाद उमुल की जिंदगी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी। रहने खाने की चिंता दूर हो चुकी थी, ट्यूशन पढ़ाने की मजबूरी से छुटकारा मिल चुका था। अब उमुल के पंख परवाज भरने लगे। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जब जेएनयू में एडमिशन हुआ तब आपने इस गली को, इन सब लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को छोड़ा? तो हाँ, वो बहुत ही एक इमोशनल फेयरवेल था और सब कहते थे कि मिलने आते रहना। और जेएनयू में आना एक टर्निंग पॉइंट कहूँगी, हाँ, क्योंकि वहाँ जाने से मेस फैसिलिटी मिलने लगी थी, तो कम से कम दिन में जो खाना था उसकी बेफिक्री हो गई। और हॉस्टल था तो उसमें फुल सिक्योरिटी और बहुत नॉमिनल पैसों में मतलब रहने का सब इंतज़ाम, तो वो जो ट्यूशन पढ़ाने का जो कंपल्शन था वो काफी हद तक खत्म हो गया था। उसके अलावा डिबेट से आप पैसे कमाती रही? डिबेट फिर एमए में जब मैं आ गई तो फिर मैंने अपना पार्टिसिपेशन का लेवल थोड़ा सा सुधारा था, और फिर मैं डिबेट्स वगैरह ना करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के कॉजेज में काफी हद तक इन्वॉल्व रही, और फिर उसी को लेकर अलग अलग कंट्रीज में गई और भारतीय विकलांग युवाओं का अलग अलग देशों में प्रतिनिधित्व किया। तो साउथ कोरिया में कई बार जाना हुआ, जापान में कई बार जाना हुआ। 2012 में वर्ल्ड कांग्रेस था रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल का, जिसमें बान की मून यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे, तो उसमें भी मुझे स्पेशली मतलब सारे इंतजाम के साथ बुलाया गया था। इन विदेश दौरों पर उमुल को कई बड़े संस्थानों और हस्तियों से सराहना मिली। प्रोत्साहन तो मिले, पर डिसेबिलिटी के खिलाफ लड़ने वाली उमुल की जिंदगी हमेशा जोखिम में रही है, और इस दर्द की कोई दवा नहीं। आपने डिसेबिलिटी की बात करी, मुझे नहीं लगता कोई भी डिसेबल्ड आपको किसी भी तरह से कह सकता है, यू मोर एबल देन मोस्ट ऑफ अस। बट क्या है आपको? बोन एक डिसऑर्डर है, चाहूंगी वो थोड़ा बताएं आप, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, मेरी बीमारी का टेक्निकल नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, और आम भाषा में इसे फ्रजाइल बोन डिसऑर्डर कहा जा सकता है। तो इसमें मेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा टूटा करती थी, करीब मेरे दोनों पैरों में 16 बार हड्डियाँ टूट चुकी हैं और 8 मेरे ऑपरेशन हुए हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जब अकेली रह रही थी तब फ्रैक्चर हुआ या ऑपरेशन? मेरी खुशकिस्मती थी कि तब फ्रैक्चर नहीं हुआ, अगर तब फ्रैक्चर होता तो फिर क्या होता वो मैंने कल्पना भी नहीं की कि क्या जाएगी सोचकर, क्योंकि पेरेंट्स से अलग और ऐसे ऐसे घरों में आप रही, जिसकी सीढ़ियाँ इतनी ऊंची, तो सोचा भी नहीं जा सकता। वो मेरे वो ईश्वर का कर्म था कि कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ उस दौरान। आखिरकार उमुल की कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के आगे नियति को भी हार माननी पड़ी। अपनी पहली कोशिश में ही उमुल ने सिविल सर्विसेज में सफलता का परचम लहरा दिया। कामयाबी के इस लम्हे ने दूर हो गए अपनों को भी फिर से करीब ला दिया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाए। जब अच्छा वक्त आया, जब जेएनयू में एडमिशन हुआ या यूपीएससी का रिजल्ट आया, तब तो फैमिली की बहुत याद आई होगी। तो कैसे, अब तो शायद आप कनेक्ट हो गई हैं फैमिली से वापस, कब और कैसे हुआ ये? हाँ, वो फैमिली से कनेक्शन तो बाद में भी मैं उनसे बीच बीच में फ़ोन करती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये था कि उनकी भी पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि उनकी पूरी गलती रही होगी, क्योंकि वो जो भी उन्होंने बातें कही थी वो उनकी खुद की एक समझदारी का ही एक आउटकम था। तो ऐसे में फिर ये मेरा मानना था कि अगर मैं भी अगर उनसे एक तरीके की दुर्भावना अपने मन में रख लूँ और नाराज़गी वगैरह करूँ तो ये शायद गलत होगा। और पापा से बचपन से लगाव था बहुत ज़्यादा, तो कैसे वापस जुड़ी आप, कब जाके आपने बात करने की पहल करी? जेएनयू में आकर ही मेरी बातचीत होने लगी। तो देखिए, होता है कि जब आप दूर होते हैं तो शायद थोड़ी मोहब्बत बढ़ जाती है, थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ी तो नहीं वो सुधर गई। जाहिर है अगर अपनी मेहनत पर भरोसा हो तो जिंदगी के लिए जज्बा और भी खूबसूरत हो जाता है। उमुल की कामयाबी उन लोगों के लिए नजीर है जो गरीबी और लाचारी से लड़ते हुए जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। खासकर देश की बेटियों के लिए उमुल का यही हौसला अब सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। और सब अच्छे से मन लगा के स्कूल जाना, ठीक है, पिटाई करूंगी, ठीक है। हाँ, मैं तो
बहुत साल तक पढ़ाई। बहुत सारी ऐसी बेटियां देश के अलग अलग हिस्सों में होंगी जो किसी एक संघर्ष से जूझ रही होंगी, किसी एक परेशानी से जूझ रही होंगी। शायद आज आप उन्हें हिम्मत दे पाएं। कभी भी आप अकेली हैं या समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों की परवाह मत कीजिए। जब एक बार आप सफल हो जाते हैं तो चीज़ें सब अपने आप सुधर जाती हैं। तो सपने को लेके जिए और सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। क्या बात है उमूल, इतना अच्छा लगा आज मुझे आपसे बात करके। एंड यू सच एन इंस्पिरेशन। मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में भी आपको अगर परेशानी आएगी तो मैं आपको याद करूंगी। उमूल, इंडिया न्यूज़ की तरफ से बेटियां और हम सब की तरफ से आपको सलाम और एक छोटा सा तोहफा, जैसे आप हमें हमेशा याद रखें, ये आपके लिए। ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, क्रीत दास ये नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जो इससे डरते हैं, ये उसका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। बेटियां बेटियां बेटियां।